अपनों में जब भी लड़ाई होती है बहुत तीखी होती है, खूब राज खुलते हैं, जबरदस्त रगड़ होती है। पटना में आज वो हुआ जिसका कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से इंतजार रहा। आज लालू यादव बोले, नीतीश ने उन्हें जाति का नेता बताया तो आज लालू ने पलटवार किया और नीतीश कुमार को उनकी हैसियत तक गिना दी। ये महासंग्राम जारी है। बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद कल नीतीश कुमार ने पहली बार लालू यादव पर जमकर हमला किया। नीतीश ने कहा कि लालू जन नेता नहीं बल्कि जाति के नेता है। आज लालू यादव ने पलटवार करते हुए नीतीश के बारे में कहा कि नीतीश को उन्होंने ही नेता बनाया, अब आज उन्हें अपनी हैसियत बता रहे थे। और बिहार के बहुत लोगों को भ्रम रहता, हमारे चंद पढ़े लिखे और कॉलम लिखने वालों को भी भ्रम रहता बेस को लेकर के, मास बेस कास्ट बेस नहीं होता, और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते। पता नहीं कितने लोग दावा करते हम बनाए, हम ही को बनाया कि मास का नेता है, जात का नेता नहीं है। अब पूर्वी सम्मेलन में क्यों गया था गांधी मैदान में, जब हमारे खिलाफ, जो साल में भूल रहा हूँ, तो हमारे खिलाफ पूर्वी सम्मेलन हुआ था गांधी मैदान में। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन? कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब पता है। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। अन्य मार्ग में बैठ करके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के जय जयकारा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जय जयकारा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कहीं जेडीयू और कांग्रेस अकेले तो नहीं चुनाव लड़ने जा रहा, तो वहीं से बैठे बैठे और ऐलान भी कैसा किया कि हम जहर का घूंट पीने को तैयार, यानी हम जहर हैं, हम सब बर्दाश्त किए हैं, देखिए हम जहर हैं। ये महागठबंधन की सरकार बनी और इतना सीट जीते, ये अकेले इनके बलबूते पर जीते, क्या किया है भाई? कल ये बोल रहे थे कि लालू यादव ने कहा था दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मुलायम सिंह के यहाँ, कि हमको जहर कहा था लालू यादव ने। क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो नीतीश कुमार? मैं नहीं चाहता था इस आदमी को, मैं जानता था, मैं नहीं चाहता था कि इसको आगे नेता खड़ा किया जाए, इस पर कोई भरोसा नहीं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि नहीं मान लो, वहां पर घोषणा हुआ और हमने यही कहा कि कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस को, दंगाई और बलवाई देश बांटने वाली ताकत को दूर रखने के लिए अगर हमको जहर भी पीना होगा तो हम जहर पी लेंगे, मैंने ये कहा था। मैं तो यहां नहीं था, मेरी तबीयत खराब थी, और आप सब जानते हैं कि राजगीर से मेरा भावनात्मक लगाव, अगले दिन छापा पड़ता और मुझे वहां जानकारी दी जाती, आप में से कई लोग वहां पहुंच भी गए, मैं क्या बात कर सकता था, हमारी तो किससे बात हो नहीं रही थी। जब जब नीतीश कुमार पे आप बीमारी का बहाना बना, समझो कि खतरनाक काम कोई कम रहा। और जब हमसे तेजस्वी जी मिले भी कैबिनेट मीटिंग के बाद अकेले, ये सारी बातें हुई, हमसे कहा गया कि आप ही बता दिए क्या एक्सप्लेन करना, हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं, हमारा इन सब चीजों का कोई अनुभव नहीं, इसलिए हम क्या सलाह दें। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो आरोप है उसके बारे में जो आप कह सकते हैं उसको कहिए। ये हमारे लड़का को बलिदान देना चाहते थे, बलि चढ़ाना चाहते थे,
जब इनको सपोर्ट कर दिया, तेजस्वी के काम को देखा, राज्य ने देखा, इसकी सराहना होने लगी, तो इनका कान खड़ा हुआ। ये भूल गए कि एक टर्म मांगे थे, ये तो अनंत टर्म के फेरा में थे, कितने बड़े सत्ता के लालची है नीतीश कुमार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।